हेलो फ्रेंड्स, आई एम सारिका। वी आर गोइंग टू टेक करंट अफेयर्स क्लास ऑफ 30 मई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 मई को। इसका जो अनाउंसमेंट है वो किया गया था 1983 में, किसके द्वारा? अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के द्वारा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज, हाल ही में HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो ये की है ईरान को। HIL के फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। इसका हेड क्वार्टर है कोची रसायनी बटिंडा में। और जो हमारे सेंट्रल केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं वो है DV सदानंद गौड़। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये की है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है हमारे जस्टिस AK सीकरी ने। जो ये जस्टिस AK सीकरी है वो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इन्होंने हियरिंग प्रोसेस को पेपरलेस व डिजिटलाइजेशन करने के लिए इसका ये बनाया गया है, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में गिगी सिमोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गिगी सिमोनी एक फुटबॉलर थे और जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? इटाली से। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमरा का निधन हुआ है? तो ये थी जापान की। सेवन्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट विकसित की है? तो ये किए भारतीय नौसेना ने। PPE की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। राष्ट्रीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ओके, एट्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो ये कर दिया है चाइना ने। तो चाइना ने अपना रक्षा बजट जो है 177.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन और यहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। नाइन्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो ये दी है ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। टेंथ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और ये क्यों की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना? प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए। इलेवेंथ क्वेश्चन इज, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है ब्राज़ील के यात्रियों पर रोक लगा दी है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रसीलिया। ट्वेल्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो ये की है राजस्थान की सरकार ने। 13th क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है राजीव जोशी ने। तो देखो, ये इन्वेंटर ऑफ द पुरस्कार जो देती है वो देती है IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर के द्वारा ये दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इन्होंने क्या किया है राजीव जोशी जी ने? इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाया है, इसलिए इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और इनके नाम, इन्होंने अपने नाम ऐसे ही इन्वेंशन से 250 पेटेंट अपने नाम किए हैं। ओके, 14th क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? तो वो किए बिहार की सरकार ने। बिहार के CM है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। यस, हमारा 15th क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किसके साथ में समझौता किया? तो ये किया है IOC के साथ में। IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक
कमेटी जिसका हेडक्वार्टर लोसानी स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और इसके 9th प्रेसिडेंट जो है वो है थॉमस बोच। बात करते हैं WHO की, तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है टेड्रोस अधानोम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।